और भाई क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते भाई? मैं भी भाई ब्लॉक कर नहीं पा रहा, ये देखो भाई फोन मेरा यहाँ पे, रुको भाई हो नहीं रहा भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस चीज़ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, मैं अपना ब्रांड न्यू कैनन M50 Mark II से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी कितना मस्त आ रहा है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ और पूरा फाइन डिटेल्स आ रहे हैं इसमें, मैंने तो ऑब्जर्व किया। और बहुत ज़्यादा सेटिंग करने के बाद इसमें बहुत मस्त रिकॉर्डिंग हो रहा है। पहले भी हो रहा था लेकिन अभी और भी बेहतर हो रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड आज सुबह से क्या क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्चुअली आज हमारा हिंदी का एग्ज़ाम था, एंड एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पेरेंट्स जो है वो स्कूल गए थे, वहाँ पर साइन करना था क्योंकि मैं 10th क्लास में हूँ ना, तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए साइन करना पड़ता है। मेरा हाथ का इस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि ये कैमरा काफ़ी भारी है ना, मैं तो पहले मोबाइल से करता था सो मुझे आदत हो गया मोबाइल का, तो ये भारी कैमरा से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ फिर से। सो गाइस, ब्रेक हो चुका है ओवर और मेरा हाथ अभी थोड़ा सा दर्द होना कम हो गया है। एंड मैं कहाँ था? हाँ गाइस, मेरे पेरेंट्स गए थे वहाँ पर, उन्होंने साइन किया। उसके बाद आज जो है फिट इंडिया मोमेंट था, उसके वजह से कुछ वहाँ पर जो स्टूडेंट्स बचे थे 9th क्लास के, उनका कुछ एक्टिविटी करवाया गया। और कल आप सबको पता है जैसा कि कल गांधी जयंती है, तो आज ही उसका जो प्रोग्राम था, आज ही प्रोग्राम हुआ है और मैंने वहाँ पर बजाया था रघुपति राघव राजा राम, जो गांधी जी का फेवरेट गाना था। सो मैंने एक मैडम को रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला था, वो उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे वहाँ पर परफॉर्म किया मैंने और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो गाना गा रहे थे। सो ये रहा वो वीडियो। जैसा कि वीडियो आपने देख लिया, कमेंट करके बताना कैसा लगा। वो एक्चुअली हारमोनियम का आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रहा था और वो मैडम ने जिस एंगल से रिकॉर्ड किया उस एंगल से एक्चुअली लाइट नहीं आ रही थी, तो अच्छे से हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। बाबरे कौन दर्द वो एंड गाइस, यहाँ पर जो हमारा रेलवे कॉलोनी है यहाँ पर 2 दिनों से लाइन की समस्या चल रही थी, करंट की समस्या। एक्चुअली आ ही नहीं रहा था करंट, जो आर थोड़ा सा आ रहा था फिर चला जा रहा था, वोल्टेज बिल्कुल डाउन था, शायद कुछ वायर्स में प्रॉब्लम थे। तो आज सबने मिलके कंप्लेन दिया तो वो ठीक हो गया है। और मैं अभी 15 मिनट पहले नहाया हूँ, एक्चुअली मैं दिन भर नहाया ही नहीं था आज, कल नहाया था, कल पानी बचा था ऊपर टंकी में लेकिन लाइन ना होने के कारण भर ही नहीं पाया था पानी। तो अभी 1 घंटे पहले लाइन आया और फिर पापा ने मोटर चालू किया, पानी भरा, उसके बाद मैं जाके अभी नहा के आ चुका हूँ। एंड दिन भर तो लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरा जो इन्वर्टर था उसका भी पावर बिल्कुल डाउन हो गया था, तो वो चल ही नहीं रहा था। सो फिलहाल तो पापा यहाँ पर कर रहे थे अपना कुछ एडिटिंग, उनको कुछ एडिटिंग का काम मिला था, सो वो हो चुका है और अभी रेंडरिंग हो रहा है। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 पार्सल आ चुका है। सो इस पार्सल का अभी मैं करूँगा अनबॉक्सिंग, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली दीदी ने ऑर्डर किया था ये तीनों पार्सल, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइस, आई एम रेडी विद द पार्सल। सो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं इस डब्बे को, ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, एक्चुअली तीनों ही फ्लिपकार्ट से आए हुए हैं। सो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर आ गया, और हमारे पास है सीजर इसको ओपन करने के लिए। सो हम इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करने वाले हैं।
एंड गाइस पहला पार्सल हो चुका है ओपन और इसके अंदर ये क्या है भाई। तो गाइस देखते हैं इसको ओपन करके। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्चुअली एक परफ्यूम है जो दीदी ने ऑर्डर किया था। आई थिंक दो परफ्यूम उन्होंने ऑर्डर किया था तो इसमें से और एक परफ्यूम ही होगा। तो ये ब्लू कलर वाला है देख सकते हैं। ये मार के देखते हैं कैसा इसका फ्रेग्रेंस है। सो गाइस इसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है। सो इसको रखते हैं साइड में और ये डब्बा गया अंदर। सो गाइस कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्सल। तो ये रहा हमारा अगला पार्सल यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो इसको भी हम अभी खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइस ये पार्सल भी हो चुका है ओपन एंड हाँ मेरे गैस सही था, यहाँ पर भी है एक परफ्यूम उसी कंपनी का लेकिन इसका फ्लेवर अलग है और ये थोड़ा छोटा है इससे, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा छोटा है। तो देखते हैं इसका फ्रेग्रेंस कैसा है। तो गाइस इसका फ्रेग्रेंस बिल्कुल अलग है, ये भी बहुत ज्यादा ऑसम है। आई थिंक ये ओमेन का परफ्यूम लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं भी थोड़ा यूज कर लूंगा। कौन देखने सेंट सुन के कौन बता सकता है कि ये मैन का है कि ओमेन का है। तो गाइस यहाँ पर दो पार्सल हो चुका है अनबॉक्स, दोनों में था परफ्यूम और देखते हैं तीसरे में क्या है। तीसरे में भी परफ्यूम है क्या भाई, इतना सारा परफ्यूम कौन लगाता है। तो गाइस ये खुल चुका है और देखते हैं इसके अंदर में क्या है। तो गाइस इसके अंदर है एक हेयर कंडीशनर, तो ये तो मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि मैं उतना यूज नहीं करता हूँ। ये दोनों मेरा कुछ काम आ सकता है, इनफैक्ट ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ये तो कुछ स्ट्रॉबेरी जैसा इसका सेंट आ रहा है। तो अनबॉक्सिंग हो चुका है डन। सो गाइस अनबॉक्सिंग हो चुका है डन और आपने देखा तीनों पार्सल में क्या था। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाहर जाते हैं, लेते हैं थोड़ा वाइड एंगल शॉट्स, सिनेमेटिक शॉट्स एंड कुछ आउटडोर शॉट्स, देखते हैं इस कैमरा का परफॉर्मेंस क्या रहेगा आउटडोर में। तो चलते हैं बाहर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ आउटडोर में, आप देख सकते हैं कैसा वीडियो क्वालिटी आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं कैसा आएगा। स्टेबलाइजेशन भी तो मुझे बहुत सही लग रही है। सो मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं तो जाते हैं वहाँ पर, लेते हैं कुछ शॉट्स। और भाई क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते भाई, मैं भी भाई ब्लॉग कर नहीं पा रहा, ये देखो भाई फोन मेरा यहाँ पे, रुको भाई हो नहीं रहा भाई, पर्पल कलर सा आ गया है भाई। कोई बात नहीं, नया मोबाइल ले लो जल्दी, उसके बाद साथ में ब्लॉगिंग करेंगे हम लोग।